अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमने जाना है फन फेयर डीपीएस में। आज फन फेयर है तो हमने सोचा कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। अभी 12 बज रहे हैं तो अभी मैंने तैयारी करनी है, अपना ड्रेस भी प्रेस करना है। तो अभी तुम्हारा भी ड्रेस सिलेक्ट भी करना है, तो मैं देखती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। ये तो यहां से तो नहीं पहनूंगी, नया निकालती हूँ कुछ। और मैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। बोला मैं देखती हूँ, और मैंने अपना ड्रेस प्रेस कर लिया है और इसके साथ मैंने ये वाले शूज पहने हैं, क्योंकि ग्राउंड में आपने चलना फिरना होता है तो इसलिए कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए। अभी ये मैंने साफ करने हैं। व्हाइट कलर के शूज का यही मसला होता है, मुझे तो ये सही तरह साफ भी नहीं होते। मैंने एक ये स्प्रे लिया है एंडियोर से, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने ये स्प्रे शूज के ऊपर करके और 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स नहीं, 40 मिनट्स के लिए रखना है। तो मैं ये स्प्रे करके इसको रख देती हूँ, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी और आई होप कि ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और अब मैं तैयारी करने लगी हूँ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो बस मैंने जल्दी जल्दी में तैयार होना है। बैग तो पकड़ो और अपना, ये मैं तैयार हो गई हूँ। चलो ये है आनो और साले मारिया, ये क्या हो रहा है? चलो इधर खुदों को किडनैप करें, आज खुदों को किडनैप करें। नहीं आजा चल रहे, ये पूरा टब्बर फन फेयर में जाने के लिए तैयार है। ये कुत्तू नहीं है, ये कौन है? ये कौन है? ये मम्मा का मदर। इधर क्या हो रहा है? इसकी बनाना है जरा। नहीं इधर आओ, क्या बस ऐसे पहना दो, नहीं पहनी जा रही। तो कोई एक से आपा, मैं अपना कुछ करना सी। चलो मोहम्मद आ जाओ, चलो मामा आ रही है ना, चलो खुदू के पास चलो, के पास चलो। तुमने मेरी बहुत उतार लिया मोहम्मद, बहुत उतार ली तो मुझे दे दो। अब ना मेरी भी ऐसे सीधी बनाना, मम्मा को पकड़ा, सीधी सीधी वीडियो बनाओ। और अब हम जाने लगे हैं, ये मेरी सिस्टर जो आई थी तो उन्होंने भी जाना था, तो हमने कहा कि हमें भी साथ ले जाए क्योंकि घर में कोई नहीं था। चलो बैठ, और अंदर बैठने के सारे कपड़े खराब हो जाने हैं। हमारी शूज की मैचिंग होगी, हमारी शूज की मैचिंग है। आपका तो ग्रे कलर का है, ये मेरा वाइट है। हमारी ड्रेस की मैचिंग होगी, आपने भी ब्लैक पहना हुआ और मैंने भी ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, मुझे बहुत प्यारा बच्चा है। हैरान हो जाते हैं कि देने खुदू अगर तुम्हें इकल्ला होता, खुदू देखो पीछे पूरी टीम बैठी हुई है। मम्मू मम्मी मोहम्मद कैसे बोलते हैं? मोहम्मद बोलो, हंस रहे आप चुचू की बात डाल। ये बाबा की गाड़ी है, डीपीएस के गेट से अंदर डीपीएस पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से अब आपने मामा के साथ रहना है, ओके? किसी बच्चे ने भी इधर उधर नहीं जाना, बड़े उंगली यहाँ पे। मारिया मोहम्मद साले सब सुन ले कान खोल के, इधर से मैं पैदल ही हो जाना, इस साइड से उतर जाते हैं, ये उतर के निकल गए इस साइड से, ब्रेक आगे से टिकट ले लेंगे, वो टिकट काउंटर बना हुआ है। चलो निकलो, पहले अम्मी उतरेंगी ना फिर बच्चों को। ये है पार्किंग में आके मोहम्मद, इधर आओ मोहम्मद, मामा के पास आओ,
और काफी लोग वापस आ रहे हैं, तो हम तो मुझे लगता है कि लेट पहुंचे हैं। वैसे अभी तो 2 बजे हैं, 4 बजे तक टाइम है फन फेयर का। यहाँ पे तो बहुत तेज धूप है, इतनी गर्मी है और इतना रश। जब हम पढ़ते थे तब तो बिल्कुल भी इतना रश नहीं होता। तंग ऐसे देखे मेरी तो बहुत जाएगी यहाँ पे। चलो मुझे लगता है कि पूरा साहिवाल फन फेयर पे आया हुआ है। मुझे लग रहा है पूरा साहिवाल आया हुआ है। देख तो देखते हैं रहते हैं। साहिवाल शुरू होने से पहले तो खत्म हो जाता था, मुझे तो लग रहा है कि पूरा साहिवाल ही आया यहाँ पे। और शुक्र है ये वाले शूज पहने हैं, दूसरे बिल्कुल भी नहीं चल रहे। ये मैजिक शो देखने लगे और जल्द की टिकट से पूरी फैमिली ब्लॉगर है। जल्दी आइए बेटे, तो खातिन आगे आ जाए बेटे, आगे आ जाए, हम उसी में खाली है, आगे आ जाए भाई। शाबाश मैजिक शो, मैजिक शो संदल संदल देखते हैं लाहौर वाली मोटर। तो आए प्यारे बच्चों लाहौर वाली मोटर देखते हैं चलती। आए देखिए इसमें कोई शब्द तो नहीं बच्चों, इसमें कोई शब्द तो नहीं है, खाली है। आपको चेक करो, फर्दर क्लैपिंग करो, बच्चों को समझ नहीं आ रही। बच्चे कंफ्यूज हो गए क्या हो रहा है। ये खाए, ये मैं बच्चों को लेके चली गई। प्राइस तो भी बन गए यार, आपने सॉसेज लेना था। आपको बात करनी थी, एक एक चावल एक के टोकन दे दे मुझे बच्चों। 100 रुपए के इतना सरप्राइज है, 100 रुपए के 50 रुपए के, 50 के नहीं जहाँ भी जाओ बस रश ही। मेरी तरह मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स भी आई हुई है, ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज से होंगी। और ये यहाँ पे झूले हैं, ये है बोट और डोली झूला। मेरा दिल तो कह रहा है लेने को, लेकिन रश बहुत है, टिकट्स के लिए भी बहुत वेट करना पड़ेगा। और अच्छा मैंने वैसे कंप्लीट राउंड भी ले लिया है, ये गाड़ी कहाँ से आ गई? अगर गाड़ी लेके फिर रहे हैं अंदर ग्राउंड में, कुछ खास तो नहीं है। ये हमारा स्कूल है, गर्ल बिल्डिंग। यहाँ पे गेम्स के स्टॉल है, यहाँ पे सब सहलमान जहरा हमना और तूबा हमने स्कूल की बिल्डिंग है तो बहुत चेंज हो गया। पहले जब मैं पढ़ती थी तो ये वाला ग्राउंड जो है ना वो बॉयज बिल्डिंग के साथ था, लेकिन अब उन्होंने ये वाला ग्राउंड जो है वो गर्ल बिल्डिंग को दे दिया, तो अब तो काफी बड़ी बिल्डिंग हो गई है ये। ये सरोज ब्लॉक, ये हमारी मैडम थी सरोज, अल्लाह उनके मगफरत फरमाए, उनकी डेथ हो गई थी आज से 5 साल पहले।
Thank you.